ए साहब, आम तो हमें वैसे ही कहते हैं, बड़े ख़ास हैं हम और गर्मी की मिठाई की आस हैं हम। ये देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन फलन, और आप इस गुच्छे में देख पा रहे हैं लगातार कितने सारे आम जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए ज़बरदस्त आम की फ्रूट सेटिंग। और दोस्तों, ये आम बड़े ख़ास हैं और गर्मी की मिठास की आस हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही गर्मी का सीज़न आता है तो हमारे मुंह में आम का रस घुलने के लिए हम बेचैन हो जाते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है पूसा की लालिमा वैरायटी। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त इसका जो है फलन अब की बार देखने को मिल रहा है। और यहाँ ये देखिए कितना बेहतरीन जो है फ्रूट सेट इसके ऊपर हो रहा है। दोस्तों, पूसा की लालिमा वैरायटी ये देखिए इस करना। और ये दोस्तों 2012 में जो है रिलीज़ की गई थी पूसा के द्वारा। दोस्तों, ये जो वैरायटी है ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने सेंसेशन और दशहरी इन दोनों आमों के क्रॉस से बनाई है। और ये पिछली बार भी मेरे प्लाट में फला था। पिछली बार मैंने इसके ऊपर 3 फल ही रखे थे। और ये दोस्तों पिछली बार मई के मिड के बाद अर्थात लगभग 18-20 तारीख के आसपास पक गया था। इसके आम लालिमा लिए हुए और कुछ उसके ऊपर जामुनी रंग, और जब पकते हैं तो संतरी रंग के हो जाते हैं। और दोस्तों, ये बड़ा स्वादिष्ट आम है, इसका अरोमा बड़ा ही अच्छा लगता है। और दूर से ही यदि आप इसको कमरे में रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आम कमरे के अंदर रखा हुआ है। दोस्तों, नियमित फलन करता है, हर साल ये जो है आता है। और साइज़ में यदि बात करूँ मैं तो एक एवरेज साइज इसका लगभग 250 ग्राम के आसपास होता है। ये गुच्छे में फलता है। सबसे ज़्यादा गुच्छे में फलने वाला आम यदि हम बात करें आम्रपाली और लालिमा होता है। तो दोस्तों, यदि आपको भी इस आम की मिठास चाहिए तो आप भी इसको अपने घर में, बगीचे में या अपने खेत में लगाकर इससे आम का आनंद ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और पौधे के साथ। तब तक प्रसन्न रहिए। सभी को नमस्ते जी।